मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना अंडा बिना ओवन, देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लफी केक है। तो यही वाला केक शेयर करने वाली हूँ एंड इसका टेस्ट रियली में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड बनाना सिंपल ही है इसे। तो चलिए ना बनाना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में ऐड करी 1/3 कप दही। तो यहाँ पर आपको खट्टी दही का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्रेश दही का यूज़ करना। एंड अगर एक खाते तो आप यहाँ पर 2 अंडे का यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 कप इतना चीनी। एंड मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड चाहो तो सेम क्वांटिटी में आप पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। और 1/2 कप दूध ऐड कर रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। तो आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जितनी भी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाएँ। तो चलिए काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है तो इसे रखेंगे साइड में। एंड वापस से मैं यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के मैदा। एंड आप चाहो तो व्हीट फ्लोर या फिर सूजी से भी इसे बना सकते हो। एंड नेक्स्ट ऐड करी 1/4 कप मिल्क पाउडर। एंड आप चाहो तो यहाँ पर 5 वाला 3 पैकेट यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और साथ में ही 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट ऐड करी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 पिंच नमक। तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड आप चाहो तो इस मिक्सचर को पूरे मंथ के लिए एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच इतना बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर सूखा नारियल, काजू और जो आलमंड्स होता है उसका यूज़ किया है, आप कोई और ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो। और इसमें ऐड किया फ्लोर और एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है बेक करने के लिए 1 पॉट। एंड इसे भी बिल्कुल अच्छे से तेल से ग्रीस करके ऐड कर देंगे फ्लोर। एंड आप चाहो तो पार्चमेंट पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 प्लेट रखा है एंड इसे ढककर प्रीहीट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा जो मिक्सचर है लिक्विड वाला, उसे मैं एक बार और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ एंड ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दूध। तो पूरा जो मैंने यहाँ पर दूध यूज़ किया वो बॉयल्ड और ठंडा दूध है, गर्म दूध का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। एंड जो हमने ड्राई मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसे 1 से 2 बैचेस में ऐड करेंगे एंड एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड लास्ट ऐड करी हूँ ड्राई फ्रूट और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड लास्ट ऐड करी हूँ 1 टीस्पून इतना विनेगर, इससे हमारा जो केक है बहुत ज़्यादा स्पंजी तैयार होगा जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था। एंड आप चाहो तो यहाँ पर सेम क्वान्टिटी में लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसे ट्रांसफर करेंगे केक पॉट में एंड एक बार टैप टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। एंड ऊपर से मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल किया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ नारियल, ड्राई फ्रूट और काजू। एंड बस इसे प्री हीट कढ़ाई में प्लेस करेंगे और पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो बस केक बिल्कुल तैयार है, इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, उसके बाद डिमोल्ड करेंगे। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद अब मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ एंड देख सकते हो कितना ज़्यादा ये स्पंजी है। तो बस इसे हम कट करेंगे एंड इन्जॉय करेंगे। एंड सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुलायम है, स्पंजी है। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना किसी भी ओकेज़न पर या फिर नॉर्मल खाने के लिए। सो मे बी फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना एंड रेसिपी अच्छा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।